क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। कैसे करेंगे देखिए, लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस। ठीक है, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर कौन से है, आर वन इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन एंड आर टू इज इक्वल टू ए टू प्लस माइक्रो बी टू इज। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है इस तरीके से तो, और उनके बीच में थीटा एंगल है, तो जो कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, बी वन बाय बी वन वैक्टर डॉट बी टू डिवाइडेड बाई बी वन का मैग्नीट्यूड एंड बी टू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ नाउ आर वन इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा, ये हो गया हमारा। ठीक है, एंड सेकेंड लाइन आर टू कितनी है, सेवन आई कैप सिक्स जे, जे कैप जीरो है प्लस माइक्रो आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। यहाँ से हमें क्या पता चला, देयरफॉर बी वन इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप एंड बी टू कितना आया, इससे कंपेयर कीजिए, देखिए ए वन प्लस लैम्डा ऑफ बी वन है और हमें क्या दे रखिए, दिस प्लस लैम्डा ऑफ दिस, यानी ये हमारी क्या होगी बी वन। उसी तरीके से ये क्या हो गया ए टू प्लस माइक्रो ऑफ बी टू, तो बी टू क्या आ गया दिस। हमने ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए की हमें ज़रूरत ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा बी वन भी आ गया, अब हमारा बी टू भी आ गया। ठीक है, तो पहले हम बी वन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर प्लस सिक्स का स्क्वेयर, दैट इज योर नाइन प्लस फोर प्लस 36 इक्वल टू 49 का अंडर रूट इज इक्वल टू सेवन। बी टू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, वन का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, वन प्लस फोर प्लस फोर रूट नाइन इज इक्वल टू थ्री। अब बी वन डॉट बी टू चेक कर लीजिए, क्या हो जाएगा, थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू टू प्लस सिक्स इंटू टू, दैट इज योर थ्री वन ज़ा थ्री, टू टू ज़ा फोर, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, दैट इज इक्वल टू 19। नाउ कोस थीटा कितना है, बी वन डॉट बी टू, ये वेक्टर जरूर लगाना है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, बी वन डॉट बी टू यहाँ से कितना निकला, 19, बी वन का मैग्नीट्यूड कितना आया है 7 और बी टू का कितना आया है 3, दैट इज योर 19/21। ये आप कह सकते हो कोस थीटा इज इक्वल टू 19/21। अगर कोस थीटा हमारा 19/21 है तो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 19/21, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और पता चली कि जब भी कभी हमें वेक्टर फॉर्म में हमारी दो लाइंस दे रखी और उसका एंगल फाइंड आउट करना है तो वो हमारी ए वेक्टर से हमेशा इंडिपेंडेंट है, जो थीटा है, अगर हमें निकालना तो उसमें ए वेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए तो हम इसमें इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर